और आज की अहम खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है और पार्टी छोड़ने के बाद पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तो स्वाभाविक रूप से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति की चाहत के अनुरूप उसके सम्मान, स्वाभिमान, हिस्सेदारी की लड़ाई अब लगातार आगे जारी रहेगी। क्या आपने कहा कि अखिलेश यादव जो समाजवादी विचारधारा थी उसके विपरीत जा रहे थे, क्या यही वजह है कि समाजवादी आपका जैसे इस्तीफा दिया राष्ट्रीय महासचिव पद से, उसके बाद सलीम शेरवानी हो या और घटक दल के साथी पल्लवी पटेल, सब ने ये पीडीए वाली जो बात है उठाई लेकिन उसके बावजूद उसका कोई ज्यादा असर नजर नहीं आया। इसीलिए मैंने कहा कि कथनी और करनी में अंतर है। वैचारिक मतभिन्नता के नाते मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ी है, मतभेद हुआ है, मनभेद नहीं हुआ है। जब भी सही रास्ते पर आएंगे मैं उनका स्वागत करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी वो रास्ते से भटके हुए हैं। यहाँ तक कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की विचारधारा को भी मजाक उड़ा रहे हैं। आज कहने के लिए तो अपने को कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी मनवादी व्यवस्था के शिकार हैं। इसीलिए हमने फैसला लिया है इस देश में गरीबों की लड़ाई लड़ने का, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों, गरीबों के सम्मान स्वाभिमान की आवाज़ बुलंद करने का और उन्हें सत्ता शासन में हिस्सेदारी देने का। माना जाए कि जो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी है उसके बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे जिसकी आप घोषणा शायद 22 फरवरी को करने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से क्योंकि मैंने समय समय पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, मानोहर कांशीराम जी की विचारधारा पर लगातार काम किया हूँ। लंबे अरसे तक बहुजन समाज पार्टी में काम किया, भिन्न भिन्न अन्य दलों में जहाँ भी रहा हूँ मैं कभी भी विचारधारा से हटा नहीं। विपरीत परिस्थितियों में रह करके भी मैंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया हूँ। समाजवादी पार्टी में भी इसी विचारधारा के साथ काम करने का इरादा लेके मैं आया था, लेकिन परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रहीं, जिसके नाते आज मैंने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक संस्था से भी इस्तीफा दिया, विधान परिषद से भी इस्तीफा दिया। तो स्वाभाविक रूप से जब हमारी थाती महापुरुषों की विरासत, विचारधारा, मिशन है तो उसको आगे बढ़ाने का काम मजबूती के साथ मैं अवश्य करूंगा। आपकी जो पार्टी, जो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी है, इसमें आपके अलावा क्या समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोग शामिल होने की बात, जैसे आरिक्या राम गोविंद चौधरी भी आपके टच में, पल्लवी पटेल? देखिए, माननीय राम गोविंद चौधरी जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनका मैं पहले भी सम्मान करता था, आज भी सम्मान कर रहा हूँ। और जब एक साथ एक पार्टी में नहीं थे तब भी मैं उनका सम्मान करता था, इसलिए मैंने पहले भी कहा वैचारिक मतभेद अलग है, आपसी मनभेद अलग है। उनको इस पार्टी में अपने साथ आप लाएंगे? हम, वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनकी जो भी चाहत होगी मैं उसके अनुरूप कदम उठाऊंगा। अभी इस दिशा में कोई बात नहीं हुई है, इसलिए पहले से किसी प्रकार का फोरकास्ट करना उचित नहीं समझता हूँ। अभी आपने कल जो अपनी बाइट दी उसमें आपने प्रोफेसर राम गोपाल की भूमिका पे सवाल खड़े किए, क्योंकि पल्लवी पटेल ने कहा कि जिस तरह से उनको लेके ये भाषा का प्रयोग किया गया उसके बाद आपके बयानों को, तो क्या लगता है कि उनकी जो पॉलिसी है वो पीडीए के विपरीत है? देखिए, कुल मिलाकर के हमने इतने कम समय में इस बात का अध्ययन किया कि जब तक प्रोफेसर राम गोपाल जी
महत्वपूर्ण भूमिका में समाजवादी पार्टी में रहेंगे, तब तक समाजवादी पार्टी पर इसी प्रकार का ग्रहण लगा रहेगा। आखिरी सवाल है, ओम प्रकाश राजभर ने आपके ऊपर आरोप लगाया क्योंकि जिस तरह से नई पार्टी, उस पर कहा कि आप पीडीए की आपकी तारीफ भी करी और साथ में ये भी कहा कि आप मिशन के तहत समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे आप। कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर जी हमारे छोटे भाई हैं, वो हमारी बड़ाई करें, हमारी बुराई करें, हमें कुछ भी कहें, सब माफ है, क्योंकि उनको राजनीति में अभी मैं बहुत अतकचरा समझता हूँ, इसलिए उनके किसी बयान पर मुझे गुस्सा नहीं आता।